नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 2 चरक सूत्र, चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग टंडुली अध्याय को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अपामार्ग टंडुली अध्याय क्यों इस चैप्टर का नाम पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है कि इसका नाम कैसे अपामार्ग टंडुली पड़ा। तो देखिए, अपामार्ग के बीज इसमें यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहला द्रव्य इसमें अपामार्ग के बीज ही देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका नाम अपामार्ग टंडुली पड़ा, आगे आपको भी बताऊंगा। सेकंड थिंग इसमें जो आती है, तो इसमें पूछा जाता है कि किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें मुख्य तौर पर जो हम पढ़ते हैं वो हम अंतः परिमार्जन के द्रव्य पढ़ते हैं, अंतः परिमार्जन के द्रव्य हम इसमें मुख्य तौर पर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है अपामार्ग टंडुली अध्याय इसको कहा जाता है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि अंतः परिमार्जन क्या होता है, तो अंतः परिमार्जन का मतलब होता है जिसको हम अपने GIT के थ्रू इनटेक करते हैं, GIT यानी कि ओरल कैविटी से लेते हैं और वो हमारी GIT के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, यानी कि हमारे जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन संस्थान है, उसके थ्रू जाता है, उसको कहते हैं अंतः परिमार्जन। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें आपके 28 यवागु का वर्णन इसमें आता है, 28 यवागु हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ अपामार्ग टंडुली के लिए पूछा जाता है कि कौन से चतुष्क के अंतर्गत आता है, तो हमें पता है कि सबसे पहला जो हमारा चतुष्क है यानी कि भेषज चतुष्क, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर हमारे आते हैं, दीर्घन जीवती अध्याय, अपामार्ग टंडुली अध्याय, आरगवादी अध्याय और षड विरेचन शताशीति अध्याय। तो इसमें से जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं अपामार्ग टंडुली अध्याय, ये हमारा अंतः परिमार्जन का उदाहरण है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे अपामार्ग टंडुली के बाद में जो हम आरगवादी अध्याय को डिस्कस करेंगे वो हमारा बाह्य परिमार्जन का उदाहरण है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अंतः परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन के उदाहरण हमने देख लिए कि चैप्टर नंबर 2 अंतः परिमार्जन और चैप्टर नंबर 3 बाह्य परिमार्जन, जिसमें कि सिद्धतम चून का वर्णन आता है अध्याय नंबर 3 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4 यानी कि षड विरेचन शताशीति अध्याय, जो कि इस चतुष्क का आखिरी चैप्टर होता है, उसमें उभय परिमार्जन के द्रव्य बताए गए हैं। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह, सबसे पहला श्लोक आप देख रहे होंगे, श्लोक नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इसका चैप्टर की स्टार्टिंग है वो अपामार्ग के बीजों से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस चैप्टर का नाम अपामार्ग टंडुली अध्याय है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अपामार्गस्य बीजानी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे द्रव्य दिए गए हैं, पिपली, मरीच, विडंग, ठीक है, शिग्रु, सरसभ, तिम्बरी, तो ये सब आपको द्रव्यों के नाम देखने हैं, इसमें आराम से आप अपने श्लोकाज में देख लेंगे। उसके बाद नाम देखने के बाद जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस श्लोका की सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो हमें देखनी है, तो वो हमारी यहाँ पे सबसे लास्ट की जो लाइन है, श्लोक नंबर 6, इसको आपको देखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। गौरवे शीर्षा शूले पीनसा अर्धो भेद के कृमि व्याध्य अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सिराशूल यानी कि सिर में भारीपन होने पर, सिराशूल होने पर, पीनस रोग, अधक पारी यानी कि हेमिक्रेनिया, क्रीमिज शिरोरोग होने पर, अपस्मार ऐसी कंडीशन होने पर, गंध ज्ञान नाश होने पर, मूर्छा होने पर, इस अवस्था में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर शिरोविरेचन, अर्थात यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया गया है कि जितने भी द्रव्य आपको पढ़ाए गए हैं वो आपके किसके हैं, शिरोविरेचन यानी कि आपके नस्य के द्रव्य बताए गए हैं, ठीक है, नस्य के लिए द्रव्य सारे बताए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि नस्य के लिए आपके इतने द्रव्य यहाँ पर वर्णित हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि नस्य के लिए इतने सारे द्रव्य आपके यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें केवल ये द्रव्य के नाम और ये आपको लाइन याद रखनी है रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि इसमें आपके वमन द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, तो वमन द्रव्य और वमनोपक द्रव्य दोनों में डिफरेंस आपको जानना चाहिए। वमनोपक द्रव्य हम पढ़ेंगे महाकषाय के टाइम पर, और वमन द्रव्य हम पढ़ रहे हैं अभी अपामार्ग टंडुली अध्याय में। तो वमन द्रव्य में आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो क्या है उसको आपको मैं अभी हाईलाइट करवाता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी इम्पोर्टेंट है एला, ठीक है, एला आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, एला यहाँ पर बताई गई है वमन द्रव्य में। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि एला का वर्णन वमन द्रव्य में आया है कि नहीं आया है, तो वमन द्रव्य में आया है पर वमनोपक द्रव्य में नहीं आया, यानी कि महाकषाय में इसका वर्णन नहीं आया, और किस किस ने इसको माना है वमन द्रव्य में, तो केवल इसे दो लोगों ने माना है, किस किस ने माना है, चरक ने माना है और वाग्भट ने माना है, चरक और वाग्भट जी इसको मानते हैं, सुश्रुत जी ने इसको नहीं माना, ठीक है,
सुश्रु जी ने नहीं माना, चरक और बागभट ने माना है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें छोटे छोटे से नाम दिए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ इसके द्रव्यों के क्या क्या चीज़ें और इसमें इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी व्याधियों में काम करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अमाशय की व्याधियाँ होने पर आपको क्या कराना चाहिए, आपको वमन करवाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमें ध्यान रखनी होती है कि अमाशय की व्याधियाँ होने पर आपको क्या कराना चाहिए, वैद्य रोगी को क्या कराएगा, वमन कराएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपली इसमें द्रव्यों के नाम दिए हैं, ये द्रव्य आप आराम से पढ़ लेंगे, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे विरेचन के कुछ द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए विरेचन के भी द्रव्य आपको इसी प्रकार पढ़ने हैं, केवल नाम उनका ध्यान रखना है आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है तो इसमें भी यही पूछा जाता है कि कौन सी व्याधियों में काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पक्वाशय के दोषों में। ठीक है, पक्वाशयगत जो भी व्याधियाँ होंगी या पक्वाशय के जो भी दोष होंगे उसमें ये अच्छे से काम करता है। तो आपको विरेचन और वमन मैंने बता दिया कि वमन आपको अमाशय में और विरेचन आपको पक्वाशयगत व्याधियों में करवाना है। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ चीज़ें क्या बताई गई हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा आस्थापन बस्ती के बारे में बताया गया है। तो आस्थापन बस्ती के बारे में भी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी बताई गई है, क्या वो बताई गई है, ये ठीक है, उदावर्त और विबंध में आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, द्रव्य इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल नाम है, केवल आपको जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि उदावर्त और आपको विबंध में क्या कराया जाता है, आपका अस्थापन बस्ती, यानी कि अस्थापन को ही किस नाम से जाना जाता है, निरूह बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उदावर्त और विबंध में आपको अस्थापन बस्ती या फिर आपकी निरूह बस्ती देनी है। उसके बाद अनुवासन बस्ती के द्रव्य यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अतएव औषध गणत संकल्प अनुवासनम मारुतग्नम इति प्रोक्तः संग्रह पंचकार्मिकः। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्णन जो रेफरेंस हुआ वो हुआ पंचकर्म। ठीक है, ये रेफरेंस क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि पंचकर्म का सबसे पहले वर्णन चरक संहिता में कहाँ पर आया है। तो चरक सूत्र 2 अपमार्ग कंडुली अध्याय में ये वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट ये श्लोक का नहीं है। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ चीज़ें कि इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो उसके बाद आप देखिए दोबारा से एक बार और आपको पंचकर्म का यहाँ पर वर्णन देखने के लिए मिलेगा। अच्छे से आपको एक दिख रहा होगा कि पंचकर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्व कर्म में बताया गया है। तो पंचकर्म का वर्णन आपको दो बार दिख रहा है, यानी कि सबसे पहली बात है आपको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का ध्यान रखना है कि कहाँ पर पंचकर्म का वर्णन चरक संहिता में आया है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। युक्ति का वर्णन भी पूछा जाता है, तो युक्ति के लिए रेफरेंस है ये वाला चैप्टर जो है, युक्ति के लिए भी ये रेफरेंस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको बताया यवागु मिलते हैं, यवागु आप देखते हैं, यवागु के बाद में आप पंचकर्म देखते हैं, पंचकर्म का वर्णन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, साथ में आपको युक्ति। तो 3 चीज़ों के लिए रेफरेंस है आपका यहाँ पे, तो 3 जगह पर आपका रेफरेंस क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। यवागु, पंचकर्म और युक्ति पूछा जाता है कि सबसे पहले वर्णन कहाँ पर आया, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, साथ में बताया गया है इसमें जो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं आचार्य, तो कहते हैं कि युक्ति जो होती है वो किस पर आश्रित रहती है। ठीक है, मात्रा काल आश्रय। ठीक है, मात्रा काल आश्रय बोला है, अर्थात यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, सिंपली लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो जो युक्ति होती है वो मात्रा और काल पर निर्भर रहती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उसको हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारी युक्ति है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है। ये आपने अगर याद रखा तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो अब यहाँ पर आपके 28 यवागु, ठीक है, 28 यवागुओं का वर्णन यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। उन 28 यवागुओं की बात करेंगे कि वो 28 यवागु है कैसे, उनको कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है, तो उनके सभी के बारे में चर्चा करी जाएगी। तो देखिए 28 यवागु में सबसे पहले जो आपको इनकी संख्या, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, 28 यवागु साथ में पंचकर्म और युक्ति आपको इस चैप्टर से याद रखनी है, क्लियर। उसके बाद आप देखते हैं पहला यवागु यानी कि शूलनाशक यवागु की बात करेंगे। तो देखिए शूलनाशक यवागु में इन्होंने बताया है क्या क्या बता दिया, पिपली पिपली मूल, उसके बाद में चव्य चित्रक नाकरे, यानी कि पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सोन, यानी कि पंचकोल की सिंपल सी बात करी गई है। तो आपको पंचकोल यहाँ पर याद रखना है, पंचकोल आपने याद रख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी ये बात हुई है वो हमारी शूलनाशक यवागु के बारे में बात हुई है।
आगे बढ़ेंगे, पाँचवीं तत्वग्राही, ठीक है, पाँचवीं तत्वग्राही पेय के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इसके लिए क्या बोला गया है पाँचवीं और ग्राही के बारे में। तो इसमें आपके जो बोला गया है कि कैंथ बेल तीन पत्तियाँ, मट्ठा और खट्टे अनारदाने से सिद्ध की गई पेया जो है वो पाचन और ग्राही होती है, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी अम्ल वाली चीज़ें बताई गई हैं, अम्ल प्रधान चीज़ें जितनी बताई गई हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, वो आपकी किस में काम करेगी, पाचन में और ग्राही में काम करती है, ठीक है। तो आपको सीधा अम्ल के वाले जो द्रव्य हैं वो याद रखते हैं और आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। उसके बाद पंचमूल यानी कि जो लघु है उसके बारे में देखते हैं कि वो किस में काम करती है, ठीक है। पंचमूलिक जो हमारी होती है यानी कि ये जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारी काम करेगी वातज अतिसार में, ठीक है। तो वातज अतिसार में हमें पता ही है पंचमूल सबसे अच्छी चीज़ होती है, दशमूल लिया जाता है, तो यहाँ पर लघु पंचमूल से बनी जो आपकी क्या है ये वागु है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, तो आप उसका यूज़ करवा सकते हैं वातज अतिसार के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे पित्त स्लैश्मिक अतिसार, ठीक है। तो पित्त स्लैश्मिक अतिसार में आपको देखिए कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। तो देखिए पी से आपको क्या याद रखना है, आपको प्रश्न पर्णी याद रखना है, और आपको एस यानी कि स्लैश्मिक, स्लैश्मिक का आपको सा याद रखना है, उससे आपको शाल पर्णी, यानी कि प्रश्न पर्णी और शाल पर्णी वाली जो आपकी यवागु यूज़ होती है वो पित्त स्लैश्मिक अतिसार में यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके पा से और शा से आपको दो चीज़ याद रखनी है, पा से आपको प्रश्न पर्णी याद रखनी है और शा से आपको इसकी शाल पर्णी याद रखनी है। तो अगर आप पा और शा से ये दोनों चीज़ याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रक्तातिसार। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ब्लड की बात, कभी भी आयुर्वेद में ब्लड की बात आती है तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा आती है, वो आपकी आती है अजा यानी कि बकरी, ठीक है, हमेशा उसको लिया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पर जब भी कभी रक्त के बारे में बात आएगी तो अजा वहाँ पर ज़रूर आएगी। तो अजा का यहाँ पर जो पर्याय यूज़ हुआ है चझागे इसमें बोला गया है, ठीक है, इसको छागे बोला गया है, इस तरह से आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आपकी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको रक्त अतिसार में सुगंध वाला नीलकमल नागर प्रश्नपर्णी के कल्क को बकरी के अर्धोदक, ठीक है, बकरी के अर्धोदक इसको ध्यान देना है, बकरी के अर्धोदक पयस्य अर्धोदक, ठीक है, चछागे, ठीक है। इसके बाद बोला गया अर्धोदक का क्या मतलब होता है, दुग्ध में क्या होगा, आधा दूध होगा और आधा जल होगा, ये मिलाकर आपको क्या करना होता है वहाँ पर उस पेशेंट को देना होता है, तो आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है, उसकी रक्तातिसार जो है वो ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे आमातिसार की बात करेंगे। तो आमातिसार में देखिएगा आमा अतिसार, तो आमा अतिस, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको याद रखा था, आम से अतिस को आपको याद रखना है, अतिस आपने अगर याद रख लिया आमा अतिसार, तो अतिसार जो उसका आ रहा है लास्ट वाला उससे अतिस आपने याद रख लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, और अतिस से आप अपना आंसर ठीक कर जाएंगे आमातिसार के रेफरेंस में। मूत्र क्रच में हमें सबसे अच्छी औषध पता ही है हमारी गोकरू होती है, और साथ में भटकटैया इन्होंने यहाँ पर बताई है, तो इसके लिए भी कोई ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे कृमिघ्न यवागु देखेंगे। तो कृमिघ्न में भी हमें पता है कि जो हमारा द्रव्य होता है वो वायुविडंग बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि वायुविडंग इसमें याद रखना है। सेकंड चीज़ इसमें जो आपको याद रखनी है वो तक्र सिद्धा यवागु आपको याद रखनी है। तक्र सिद्धा यवागु आपको क्यों याद रखनी है वो थोड़ा सा जैसे ही मैं आगे चलूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि तक्र सिद्धा यवागु मैंने आपको क्यों याद कराई थी, क्योंकि जब हम ग्रहत व्यापद पढ़ेंगे वहाँ पर भी कुछ आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि तक्र सिद्धा यवागु कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पिपासा और विषनाशक में विष के लिए प्रयोग की जाने वाली यवागु कौन सी है। तो देखिए पिपासा यानी कि पित्तजन्य एक तरीके का रोग है, पित्त और वात से होता है, तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ें दी जाती हैं जो कि पित्त को शांत करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुनक्का यानी कि मधुर मधुर शीत हो गया, अनंतमूल, धान का लावा, पिपली, मधु और नागरमोथा, ऐसे द्रव्य दिए जा रहे हैं जो कि आपके क्या करते हैं, आपकी तृष्णा को, आपकी प्यास को कम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर शीत द्रव्य शीत वीर्य द्रव्य दिए जा रहे हैं जिससे कि तृष्णा दूर हो जाती है। तो एक दो द्रव्य आप यहाँ से अगर याद भी रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं विषनाशक। तो विषनाशक में वाकुची, सोरेलिया कोरिलिफोलिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। विषनाशक में जो यूज़ की जाती है वो आपकी सोमराजी या वाकुची की यवागु यूज़ की जाती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको दो तीन यवागु इसमें अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि हमने कृमिघ्न में बात करी है तक्र सिद्धा यवागु, एक तो वहाँ बात करी है, दूसरा हमने वायुविडंग की बात करी थी, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। एक चीज़ और बतानी थी आपको
क्रिमिग्नी यवागु में, तो उसमें क्या है, इसमें ये एक आपका क्षार यूज़ होता है, ठीक है, सब्जी क्षार लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि सब्जी क्षार का या सज्जी क्षार का आपका इसमें यूज़ किया जाता है, सब्जी क्षार इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कार्श्य तथा मेदो रोग में, यानी कि कार्श्य यानी कि कोई पतला है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो सुअर के मांस से बनाई हुई यवागु आपको भृंगन कराने के लिए वहाँ पर देनी है। तो सुअर के मांस रस की बनी हुई यवागु भृंगन का कार्य करती है, और कोई मोटा हो गया है उसको पतला करना है तो आपको भ्रष्ट गवेदुक, ठीक है, भ्रष्ट गवेदुक की वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, भ्रष्टा नाम गवेदु का नाम, गवेदु का नाम भ्रष्टा नाम, तो आपको वहाँ भ्रष्ट गवेदुक को देना है, गेहूँ को भून कर आपको वहाँ पर उसको देना होता है, तो उससे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, सिंपली आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं स्नेहन तथा रुक्षणार्थ पेया, देखते हैं क्या होता है। स्नेहन अगर किसी पेशेंट में आपको कराना है तो क्या करना होता है, उसमें स्नेहन करवाना है तो तिल प्रधान चावल की बनी यवागु को घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि तिल प्रधान, ठीक है, तिल अच्छा बताया गया है, इसलिए तिल प्रधान चावल की बनी यवागु, ठीक है, आपको तिल से युक्त चावल बनाने हैं, उनकी यवागु तैयार करनी है, उसको घृत और नमक मिलाकर उस पेशेंट को दे देनी है, तो उसको क्या होगा, स्नेहन करा देगी वो। अब रुक्षण करवाना है तो रुक्षण में विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी देनी पड़ेंगी जो कि वहाँ से क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले, तो इसमें क्या करते हैं, श्यामक लिया जाता है, श्यामक की यवागु बनाई जाती है और वो क्या करती है, रुक्ष करने वाली होती है पेशेंट को, ठीक है, तो इसमें आपको श्यामक याद रखना है, ठीक है। रुक्ष इसको ऐसे याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है कि जब भी कभी व्यक्ति रुक्ष होता है तो वो काला होता चला जाता है, यानी कि कृष्ण वर्ण का होता चला जाता है, और कृष्ण का ही दूसरा नाम है श्याम, तो श्यामक आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे श्वास काश अग्नि और पक्वाशयगत बात में आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए श्वास काश अग्नि में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो देखिए श्वास काश में आपको ध्यान रखना है दशमूल, जैसे कि मैंने आपको बताया वातज व्याधियों में आपको दशमूल लिया जाता है, तो आपको दशमूल अच्छे से याद रखना है, श्वास काश में दशमूल आप याद रखेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो पक्वाशयगत वात है, यानी कि पक्वाशयगत शूल जो है, उसमें आपको याद रखना है यम के मदिरा सिद्धा, यम के का मतलब, यमक का मतलब होता है दो, यानी कि जब किसी दो चीज़ों का योग किया जाता है और उसको मदिरा में सिद्ध किया जाता है उस टाइम पर दी जाती है, तो पक्वाशय को शूल को दूर करती है, क्योंकि हमें पता है कि शूल नाशक बताया गया है मदिरा को, तो मदिरा वहाँ पर उसको इंस्टेंट इफेक्ट मिले, रिलीफ मिले, इसलिए वहाँ पर मदिरा में उसको सिद्ध किया जा रहा है, दो आपके कोई भी वहाँ पर आपके स्नेह लिए जा रहे हैं, तो दो स्नेह इन्होंने कौन कौन से ले लिए, आपके घृत और तेल, ठीक है, घृत और तेल आप देख रहे हैं, तो दो स्नेह लेकर वहाँ पर एक यवागु तैयार की जा रही है जो कि आपकी पक्वाशयगत शूल में काम करती है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सारक यानी कि रेचक, यानी कि जो रेचन करा रही है एक तरीके से विरेचन वाली यवागु और ग्रही यवागु, ठीक है। तो सारक यानी कि देखिए सारक में इन्होंने क्या बताया है, सारक में इन्होंने बताया है कि साक मांस तिल और उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है, यानी कि जो मल को बांधे अपने साथ में, ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी है कि जो अपने साथ में मल को बांधती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, साक मांस तिल उड़द, तो इसको याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है जिसमें कि आप MUST मस्ट करके याद रख सकते हैं। तो M से आपका जो रहेगा माश रहेगा, यानी कि उड़द रहेगा, U से आपका इसमें उड़द ले लेंगे, M से मांस लेंगे, U से उड़द लेंगे, S से शाक लेंगे और T से तिल ले लेंगे। तो इस तरीके से चार चीज़ें आपकी रेचक यवागु में काम करती है और आप आराम से अपना आंसर ठीक कर जाएंगे। उसके बाद ग्राही यवागु में देखा जाए तो क्या लिया जाता है, सभी ही जामुन आम गुठली, ठीक है, ये सब आपके जो पंच पल्लव वाली कंडीशन है वही सब चीज़ें यहाँ पर ली जा रही हैं। तो पंच पल्लव के द्रव्य आपको ध्यान रखने हैं और उसमें से आपके चार द्रव्य यहाँ पर रखे गए हैं और उनकी यवागु, उनसे सिद्ध यवागु यहाँ पर ली जाती है और उसके द्वारा बनाया जाता है ग्राही यवागु। आगे बढ़ेंगे भेदनी, ठीक है, तो भेदनी में मतलब होता है कि जो भेदन करके, जो मल अंदर रुका हुआ है उसका भेदन करके तो टुकड़े टुकड़े में बाहर निकाले, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यवक क्षार, ठीक है, एक सब्जी क्षार हमने पीछे पढ़ा था क्रिमिग्न में, उसके बाद यवक क्षार हम देख रहे हैं भेदनी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके साथ चित्रक, हींग और अम्लवेतस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, चित्रक हींग वगैरह का इसमें यूज़ किया जाता है, हींग काफ़ी इंपॉर्टेंट है भेदन के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके साथ वात अनुलोमनी, तो वात अनुलोमन या अनुलोमन में हम देखते हैं, तो अनुलोमन में हरड़ यानी कि आपकी अभ्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुलोमक होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, अभ्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसके थ्रू, इससे गो थ्रू रहेंगे तो आप अपना आंसर ठीक कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे घृत तथा तैल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु, तो मैंने आपको बताया था घृत और तैल पे तक्र सिद्धा
यवागु यूज़ किया जाता है। तो तक्र सिद्धा यवागु मैंने आपको दो जगह पे बता दिया है। तक्र सिद्धा यवागु जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्रिमिग्नि बता रहा था, मैं वहाँ बताया था और यहाँ पर। तो आपसे अगर तक्र सिद्धा यवागु पूछा जाता है तो आपका दो आंसर सही जाएंगे, एक घृत व्यापद में और दूसरा क्रिमिग्नि में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तक्र से बनी यवागु घृत के अजीन होने पर उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को शांत करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही तैल व्यापद, तो तैल व्यापद में तक्र और पिन्याक जो होता है वो तिल की खली होती है, ठीक है। तो तैल का व्यापद हो गया, तो वहाँ पर तैल का व्यापद में समझिए कि किसी तरीके से बॉडी में तेल ज़्यादा हो गया, तो तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी ड्राई चीज़ें जानी देनी पड़ेंगी जो उसको अपने अंदर इंटेक करेगी या ज़्यादा वाले तेल को क्वांटिटी को और बाहर निकाल देंगी। तो तिल की खली जो होती है, तिल का एक तरीके से जब तेल निकाला जाता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि बिल्कुल भी मॉइस्चर वाला नहीं होता। तो पेशेंट को वो चीज़ खिलाई जाती है और वो क्या करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी ऑयल रहता है उसको अपने साथ लेती है और बाहर निकाल देती है। तो आराम से आप अपना आंसर यहाँ पे ठीक कर जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे विषम ज्वर, ठीक है। विषम ज्वर में देखिए क्या बताया गया है, तो विषम ज्वर में गौमास्य सिद्धियावागु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। गौमास्य सिद्धियावागु वहाँ पर बनाई जाती है। उसके साथ साथ ही यव को घृत और तैल, ठीक है, कहाँ पर बताई गई है, ये कंठ है, ठीक है। कंठ रोगों में कौन सी यवागु आपकी अच्छी बताई गई है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, यवा नाम यम के, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ऊपर आपने यम के मदिरा सिद्धा पढ़ा था, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यवा नाम यम के आपका आ रहा है, तो यवा नाम यम के को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यवा नाम यम के किसके लिए आया है, ये आपका कंठ रोग के लिए आया है, ठीक है। और आपका ऊपर आपने पढ़ा था, ठीक, क्या पढ़ा था, यम के मदिरा सिद्धे, ठीक है, वो आपका पक्वाशेगर जो शूल था उसके लिए आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मदिरा यानी कि शूल के लिए, और कंठ रोगों में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, शुक्रवार स्रोतस के लिए देखेंगे तो ताम्रचूड़, ठीक है, ताम्रचूड़ जो पर्याय है वो मुर्गे का है, इसका रस दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है शुक्र मार्ग के जो भी रोग रहेंगे उसके लिए। साथ में वीर्यवर्धक यवागु अगर बात करते हैं तो वीर्यवर्धक में घृत और दूध से बनी हुई उड़द की जो दाल होती है उसको अच्छा बताया गया है, क्योंकि उड़द अपने आप में वृक्ष है, तो घृत और दूध भी अपने आप में वृक्ष का कार्य करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। घृत और दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु आपकी वृक्ष होती है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट हमारी दो यवागु बची हैं, तो मध रोग और क्षुधा रोग, ठीक है। तो मध रोग या क्षुधा रोग में बात करने से पहले मध रोग में देखेंगे, तो मध रोग यानी कि किसी को इस प्रकार का रोग कि अपने होश आवास में है ही नहीं, तो आपको वहाँ पर क्या करवाना है, आपने देखा भी होगा कभी कोई ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसको दही या कुछ इस तरीके की चीज़ें खिलाई जाती हैं जिससे कि उसका नशा थोड़ा उतर जाए, तो आपको वही आपको दही वगैरह इसमें याद रखनी है और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं क्षुधानाशक यवागु, क्षुधा यानी कि भस्मक रोग, किसी को भस्मक रोग हो चुका तो उसको आपको गुरु आहार देना पड़ेगा जिससे कि उसको जल्दी जल्दी भूख ना लगे। तो गुरु आहार में आपको क्या करना है, दुग्ध और गोहो का मांस रस, ठीक है, गोहो का मांस रस आपको यहाँ पर देना है। तो मांस रस आपको ध्यान रखने हैं, एक तो क्षुधानाशक रोग में गोहो का मांस रस यूज़ किया गया है, साथ ही अगर हम बात करते हैं शुक्रवार स्रोतस की तो वहाँ पर ताम्रचूड़ रस याद करना है आपको। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं विषम ज्वर की तो वहाँ पर हमने गौमास पढ़ा है, गौमास के से यवागु दी जाती है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं विषम ज्वर में, तो अभी गौमास बता दिया मैंने, और उसी के साथ में कार्शी की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पतला है और मोटा होना चाहता है तो बारहा मास, ठीक है। तो चार तरीके के मास यहाँ पर आपने पढ़ लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो हमारा यवागु प्रकरण है वो हमने 28 प्रकार के यवागु कंप्लीट कर लिए हैं, और लास्ट में आपके कुछ द्रव्य बता दिए गए हैं कि दीर्घन जीवित अध्याय में मूल्य और फलने बताए गए हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो मूल्य फलने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मूल्य के लिए तो जो मूल होते हैं किसी भी चीज़ की जड़ होती है वो आप ज़्यादा नहीं खा सकते, तो ज़्यादा नहीं खा सकते तो वो हमेशा कम ही खाओगे तो वो हमेशा कम होती है यानी कि 16। और जो फलनी होती है यानी कि जो फल होते हैं वो हम हमेशा ज़्यादा खा सकते हो तो हमेशा वो कितने होते हैं, वो 19 यानी कि वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। हमेशा इनमें कन्फ्यूज़न रहता है तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चैप्टर जो है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है मैंने सारी बता दी। कहाँ पर आपको यम के मदिरा सिद्धा याद रखना है, कहाँ पर आपको यवा नाम यम के याद रखना है, कहाँ पर आपको कौन सा मास रस याद रखना है, कहाँ पर आपको तक्र सिद्धा याद रखना है, सारी बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। केला को आपको ध्यान रखना है कि चरक और वाग्भट ने बताया है वमन द्रव्य में, पर वमनोपग में नहीं बताया चरक जी ने, और सुश्रु जी ने कहीं भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैंने इस तरीके से इस चैप्टर में कवर करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।